नमस्कार दोस्तों, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो आज के इस नए वीडियो में हम पटवारी के लिए 20 जनरल नॉलेज के जीके और जीएस के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ हम उन सभी टॉपिक को बात करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जीता? तो यह जीता था इंग्लैंड ने। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया था? इंग्लैंड में जीता गया था। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत में आयोजन हुआ था इसका। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अल्कालाइड फैक्ट्री स्थित है? तो अल्कालाइड फैक्ट्री कहाँ पर है? ये नीमच में स्थित है, इसको आप याद रख सकते हैं। रतलाम के जो सेब हैं इनके लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और मंदसौर में अफीम का उत्पादन देखने को मिलता है। धार में स्थित पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हड्डियों में से कौन सी एक मानव मस्तिष्क से संबंधित है? तो मानव मस्तिष्क से संबंधित जो हड्डी है उसका नाम है कपाल या स्कल। ये आपको देखने को मिलता है, ये बहुत ही मजबूत हड्डी होती है जो हमारे मानव मस्तिष्क के ऊपर, जो कपाल है उसके ऊपर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थापित हुआ था? तो कब हुआ था? 1982 में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? भोपाल में है। यह कहाँ पर स्थापित हुआ था? भोपाल में यह स्थापित हुआ था, तो आप इसको याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व आवास दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर का पहले सोमवार को क्या मनाते हैं? विश्व आवास दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? ये मनाते हैं भारतीय जो सेना है, वायुसेना है, तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को एकता दिवस के 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था किसका? महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो इस दिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा भारत में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? तो याद रखना, संविधान में अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं उनमें से केवल 42वां संविधान संशोधन ऐसा है जिसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और 42वें संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं? इसी को लघु संविधान कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को, 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह लागू किया गया था, तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन से, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2017 में केंद्रीय खेल मंत्री का पद किसने संभाला था? तो केंद्रीय खेल मंत्री 2017 में थे राजवर्धन सिंह राठौर, और वर्तमान में जो है खेल मंत्री वो है अनुराग ठाकुर जी, जो वर्तमान में भारत के केंद्रीय खेल मंत्री हैं, जिनको आप याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अनुराग ठाकुर। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम सबसे पहली बार कब इस्तेमाल की गई थी? तो 1998 में सबसे पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, इसको आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अरब सागर की राजधानी कहा जाता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम 2-3 बार रिपीट करके पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, अरब सागर की राजधानी क्या है? कोची को अरब सागर की राजधानी कहते हैं। फ्रेंड्स, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
सितंबर 2017 को स्थापित प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का उद्देश्य क्या था? तो यह देश में आर्थिक महत्व के मुद्दों का विश्लेषण करना इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? तो पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी एक प्रसिद्ध क्या थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमरिया के बांधवगढ़ किले में किस देव की शेषई मूर्ति को देखा जाता है? तो भगवान विष्णु की शेषई मुद्रा में मूर्ति देखी जाती है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा इस बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखी जाती है। उमरिया जिले में यह स्थित है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सीहोर में उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था और इसकी मरम्मत मराठा पेशवा बाजीराव द्वारा की गई। तो यह था सिद्ध गणेश मंदिर। सिद्ध गणेश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो सीहोर में स्थित है। सीहोर में यह मंदिर स्थित है और इसका जो निर्माण है यह महाराजा विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। और इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो मरम्मत है या जीर्णोद्धार है किसने करवाया था? पेशवा वाजीराव द्वारा इसका मरम्मत करवाई गई थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, झाबुआ जिले में दक्षिणी सीमा से निम्नलिखित में से किस नदी निकलती है? झाबुआ जिले की दक्षिणी सीमा को बनाते हुए कौन सी नदी निकल जाती है? इस तरीके से अमरकंटक से होते हुए मां नर्मदा ऐसे यहां से निकल जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है ना, सबसे बड़ी नदी है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो भगोरिया उत्सव पश्चिमी निमाड़ में भगोरिया उत्सव मनाया जाता है भगोरिया जनजाति के द्वारा। तो इसको भी आप फ्रेंड्स याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल की पहली महिला शासिका का नाम बताइए। तो भोपाल की जो बेगम गौहर कुदसिया हैं, बेगम कुदसिया बेगम है जो, यह भोपाल की पहली महिला शासिका थी। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित घरानों में से कौन सा मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो जो किराना घराना ही है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। मेहर घराना है, ग्वालियर घराना है और सेनिया घराना, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, खालिस्तान को झांसी की रानी कहा जाता है। तो झांसी की रानी किसको कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है झांसी की रानी। आपसे अगर पूछा जाए कि इनकी समाधि कहाँ पर है, तो झांसी की रानी की समाधि कहाँ पर है? यह ग्वालियर में झांसी की रानी की समाधि स्थित है। इसको याद रख सकते हैं। ग्वालियर में ही आपको जो महल है इसका निर्माण राजा राजा सूर्य सेन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ग्वालियर में ही हम देखते हैं तानसेन महोत्सव। तानसेन महोत्सव ग्वालियर में है। तानसेन महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? ग्वालियर में। ग्वालियर में ही तानसेन की समाधि देखने को मिलेगी। तानसेन की समाधि कहाँ देखने को मिलेगी फ्रेंड्स? तो ये भी ग्वालियर में ही देखने को मिलती है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सबसे पहले तो भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें, राष्ट्रीय गणित दिवस तो यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को और क्यों मनाया जाता है ये पूछा है। तो श्री निवास रामानुजन के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। क्या? गणित दिवस। तो इसको आप याद रख सकते हैं। और भी दिसंबर माह के त्योहार हैं, जैसे 22 दिसंबर को हमने देखा गणित दिवस, 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को मनाते हैं हम किसान दिवस, किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं, 24 दिसंबर को मनाते हैं उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर
25 दिसंबर को मनाते हैं हम सुशासन दिवस, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम राज्य देश का सबसे कम आबादी वाला दूसरा राज्य है मिजोरम, तो इसको आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप ये जो 20 क्वेश्चन हमने ये है आज जीके और जीएस के, ये अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम विभिन्न सब्जेक्ट के एमसीक्यू और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेके आते रहते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है और इसी तरीके की और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।